तो भाई देखो, आप लोगों ने डीपीआई सेटिंग का नाम तो सुना ही होगा कि अगर आप लोग के बन टैप नहीं पड़ते हैं तो डीपीआई लगाने के बाद आप लोगों के बन टैप भी नेक्स्ट लेवल के पड़ते हैं। आप लोगों का जो गेम प्ले वो एकदम स्मूथ लेवल का हो जाता है। अगर आप लोगों को हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम आती है या फिर आप लोगों की मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, तो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की डीपीआई लगाने के बाद एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। लेकिन डीपीआई लगाने के फायदे हैं तो कहीं ना कहीं पर उसके नुकसान भी हैं कि अगर आप लोग गलत डीपीआई का यूज़ करते हो तो उस टाइम पर आप लोगों के मोबाइल का पूरा कवाड़ा भी हो जाता है। जैसे अगर आप लोगों का मोबाइल लैग नहीं करता है तो डीपीआई लगाने के बाद आप लोग मोबाइल लैग ये नहीं आपकी करेगा, बैटरी की पावर को भी कम कर देगा। अगर आप लोगों का मोबाइल हीट नहीं करता है तो गलत डीपीआई लगाने के बाद आप लोगों का मोबाइल हीट भी करने लगेगा। ये सब कुछ होता है गलत डीपीआई यूज करने के कारण। लेकिन अगर आप लोग सही डीपीआई यूज करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने तो वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए एक परफेक्ट डीपीआई सेटिंग क्या होने वाली है। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं डीपीआई सेटिंग के बारे में बात। एक और सबसे इंपोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो मैं आपको डीपीआई सेटिंग बताने वाला हूं वो तुम सभी के मोबाइल में वर्क करने वाली है, चाहे आप लोगों के पास लो डिवाइस हो चाहे आप लोगों के पास हाई डिवाइस हो। अगर आप लोगों के मोबाइल करें 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB, फिर 12GB प्लस, यहां है। पर जो मैं आपको डीपीआई सेटिंग बताने वाला हूं वो तुम सभी के मोबाइल पर वर्क करेगी। अब यहां पर मैं डीपीआई सेटिंग के बारे में बात करूं उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चलेंगे। आप में से हर कोई बंदा 500 डायमंड जीत सकता है। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना है। तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड वो दे दूंगा। तो चलो भाई, अभी हम करते हैं डीपीआई सेटिंग के टॉपिक को स्टार्ट। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको दिखाई देता है अबाउट। अब जैसे ही आप लोग अबाउट फोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब देखो, यहाँ पर आपको या तो लिख के आएगा MIUI वर्जन या फिर आपको लिख के आएगा बिल्ड नंबर। कई लोगों के मोबाइल में MIUI होता है और कई लोगों के मोबाइल में बिल्ड नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर जो MIUI वर्जन दिख रहा है, फिर जो बिल्ड नंबर दिख रहा है, इस पर आपको लगातार 6-7 बार टैप करना है। जैसे कि आप लोग लगातार 6-7 बार टैप करोगे तो उसके बाद आप लोगों के मोबाइल के अंदर डेवलपर ऑप्शन जो होता है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन ऑन होता है तो आप लोगों को बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगी एडिशनल सेटिंग। तो आप लोगों को सिंपली एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने डेवलपर ऑप्शन ऑन होके आ जाएगा। या फिर अगर आप लोग चाहो तो आपकी सेटिंग बार के अंदर सर्च बार होता है, ठीक है, आप लोग वहां पे सर्च करके भी डेवलपर ऑप्शन को निकाल सकते हो। जैसे कि आप लोग डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले इसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को इसमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे एक साइड आना है। जैसे कि आप लोग इसमें नीचे एक साइड आओगे तो वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम होता है स्मॉलेस्ट बिट। अब देखो, जो स्मॉलेस्ट बिट होता है इसी को हम प्यार से बोलते हैं डीपीआई सेटिंग। यहाँ पर जो आप लोगों को स्मॉलेस्ट बिट दिख रहा है, आप लोगों को सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इसे जीरो कर देना। अब जीरो में करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप लोग इसे जीरो करोगे तो आप लोग ये पता लगा सकते हो कि आप लोगों के मोबाइल के साथ कितनी डीपीआई आई थी। जैसे मैंने अपनी डीपीआई को पहले बढ़ा रखा था, उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी डीपीआई को जीरो करके ओके पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद तुम देख सकते हो कि मेरे सारे के सारे जो लेटर है वो बड़े हो गए, यानी कि उनकी जो साइज है वो बढ़ गई है। जब मैंने अपनी डीपीआई सेटिंग को जीरो पे सेट किया तो मेरे को ये पता लग गया कि मेरे मोबाइल के साथ कितनी डीपीआई आई थी। तो मेरी डीपीआई जो आई थी वो थी मेरी 320। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को ऐसी कौन सी डीपीआई सेटिंग रखनी है जिससे कि आप लोगों के मोबाइल को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, यानी कि आप लोगों का गेम प्ले एकदम मक्खन की तरह चले, आप लोगों के बन टैप भी नेक्स्ट लेवल के पड़े और हेडशॉट भी नेक्स्ट लेवल की पड़े, मूवमेंट स्पीड भी आप लोगों की नेक्स्ट लेवल की हो तो जाए। चलो अभी मैं आपको एक बेस्ट डीपीआई सेटिंग बताने वाला हूं। अब देखो, यहां पर मैं डीपीआई सेटिंग बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं कि डीपीआई सेटिंग के बाद मैं आपको एक ऑप्शन और बताऊंगा, ठीक है, उसे यूज करना ही करना है अगर आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले दिखाना है। तो जब आप लोग अपनी डीपीआई सेटिंग को जीरो पर सेट करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर कितनी डीपीआई आई थी। तो मेरी जो डीपीआई थी वो तो 320 थी। तो अब मैं यहां पर इसमें 200 एक्स्ट्रा डीपीआई ऐड करता हूं, तो 320 में अगर मैं 220 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो मेरी हो जाएगी 520। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर जितनी भी डीपीआई आई हुई होती है उसमें आप लोगों को 200 डीपीआई एक्स्ट्रा ऐड करनी है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आप लोग ज्यादा डीपीआई यूज करना चाहते हो तो आप लोग इसे लास्ट से 750 तक लेके जा सकते हो। और हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग अगर डीपीआई सेटिंग को 1000 प्लस करते हो, जैसे अगर आप लोगों ने 1002 कर दी, 1005 कर दी या फिर 1100 कर दी, तो उस टाइम पे आप लोगों का मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा और आप लोगों का मोबाइल ओपन होने में बहुत टाइम लेगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को 750 से ज्यादा डीपीआई नहीं रखनी है। अगर आप लोग ज्यादा डीपीआई यूज करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों के मोबाइल का पूरा कवाड़ा ही होगा। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों की जितनी डीपीआई आई हुई होती है उतनी डीपीआई में आपको 200 एक्स्ट्रा डीपीआई ऐड कर देनी है। ये तो आप लोगों की डीपीआई सेटिंग को लेके बात। अभी हम बात करते हैं उस मेन सेटिंग को जिसको यूज आप लोगों को डीपीआई करने के साथ साथ करना ही करना है, जिससे कि आप लोगों का नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले हो जाएगा फ्री फायर के अंदर। लेकिन उससे पहले एक सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ बोल रहा हूँ उसको भी सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो इसके बदले में बस आपके
थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। देखो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना। नीचे साइड देखो आपको एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली आप लोग जैसे ही उस पर प्रेस करोगे तो ब्लैक से हटके वाइट हो जाएगा और पास में रखे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। यार देखो मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे साइड जाओ और लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना, क्योंकि यार हमको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखा रहे हो, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं ना ही सब्सक्राइब करने के। तो चलो अभी हम करते हैं उस मेन सेटिंग के बारे में बात कि आप लोगों को डीपीए के साथ ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसका यूज करना ही करना है। तो जैसे आप लोग स्मॉलेस्ट बिट के नीचे देखोगे तो वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है फोर्स 4x MHW। ये जो फोर्स 4x MHW जो सेटिंग है वो आप में से 90% बंदों की हमेशा ऑफ रहती है, तो आप लोगों को सिंपली इस पे क्लिक करके इसे ऑन कर देना अगर आप लोगों को नेक्स्ट लेवल के वन टैप मारने, मूवमेंट स्पीड बढ़ानी है, पर आप लोगों को नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट मारने हैं। और इसके साथ ही एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोगों के पास डायमंड लेने के पैसे हैं, तो आज की वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में दो डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। उससे पहले मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूं कि नीचे साइड देखो आपको लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। और अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में दो डायमंड लेना चाहते हो तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखी है, जहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया है। उस वीडियो को एक बार मेरे कहने से पूरी जाके देख लेना, तो उसकी जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।